बहुत शुक्रिया, मुबारक। आइए आइए, राजेश, राजेश डोगरा, राजेश डोगरा जी अलॉन्ग विद 100 सपोर्टर्स। राजेश डोगरा जी, उसके बाद आ जाइए, आ जाइए। ओमकार नाथ रैना जी, जनरल सेक्रेटरी सर, ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू परिषद जी, शुक्रिया। आप आइए, इधर आइए। उसके बाद हमारे बेबी कोल और रमेश चंद्र जी, रमेश चंद्र जी, रमेश जी आओ, बेबी कोल जी भी आए हैं, बेबी कोल जी आप सारे आइए इधर ही, आप ज्वाइन करने के लिए जो जो पीछे हैं, पीछे साथी जो जी के साथ साथ में हैं वो भी आए। एक मिनट ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। आइए आप मैडम, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का शुक्रिया। आप थोड़ा यहाँ रहिए, आप बैग आप ही आइए, उठाओ हाथ, उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारी एक कश्मीरी पंटू की एक जो तंजीम है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो 98-99 से बनी हुई है, और इनका जो एसोसिएशन का नाम है, फोरम का नाम है ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम, और इसमें सैकड़ों और हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित की मेंबरशिप है, और ये सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम हेडेड बाय चेयरमैन रतनलाल बांजी जो मेरे साथ बैठे हैं, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं ब्रिजनाथ हाली जी, जनरल सेक्रेटरी ओमकार रैना जी, और हमारी महिला बहन प्रेसिडेंट है बेबी कूल जी, और रमेश चंद्र जी, ये सारे जो हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी की फैमिली में शामिल हो रहे हैं और अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। इनके साथ और भी राजेश कमल जी और सारे साथी जो हैं, शंकर सिंह चिप जी, और भी काफ़ी नाम है जो ज्वाइन हो रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ की तादाद में इनको इनके ऑफिस बेरियर भी आए हुए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे आपके सामने। तो मैं ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी जो है दिन ब दिन दोबारा मजबूत हो रही है, और लोग जो है अपना ट्रस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ती है, जो गरीबों की जो है गरीबों की हमेशा मदद करती है किसी भी तरीके से। कांग्रेस पार्टी की जो स्कीमें थी आज भी चलती हैं, जैसे मकान इंदिरा आवास से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। इसी तरीके से गरीबों को बिजली, सड़कें, रोजगार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसानों की अगर किसी ने मदद की तो कांग्रेस पार्टी ने की, अगर बेरोजगारों को किसी ने रोजगार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी ने 2019 जब स्टेट को यूटी में बदला, उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि ये इस वक्त हम स्टेट को यूटी बना रहे हैं, स्पेशल स्टेटस छीन रहे हैं, तो यहाँ बहुत रोजगार होगा, यहाँ की गरीबी खत्म होगी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद 6 साल हो गए, तब से 2019 के बाद 5 साल हो गए, 5 साल में कुछ नहीं बदला। जो स्टेट रोजगार में 15वें नंबर